नई रेसिपीज जानने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें शुद्ध देसी किचन। तो शुद्ध देसी किचन पे देखिए चिकन हक्का नूडल्स बनाने जा रहे हैं। तो ये हक्का नूडल्स है, इसको गर्म पानी में हल्का नमक डाल के बॉईल करेंगे। चिकन है 100 ग्राम, बॉईल करके हल्का सा बारी बारी कर लिए। एक अंडा को भुर्जी बनाते उस टाइप का कर लीजिएगा। हरा कांदा है चॉप्स किया हुआ, एड कैबेज है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है। तो इसमें जो है गर्म पानी बॉयल हो रहा है, इसमें आप नूडल्स डाल दीजिए, हक्का नूडल्स। सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल इसलिए डालेंगे कि जो अलग अलग हो जाए, ज्वाइंट नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 टीस्पून के बराबर एक ऑयल डाल देंगे। 2 स्पून इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। फ्राई गर्म है तो ये कांदा है चॉप्स किया हुआ हरा, तो हरा कांदा का पत्ता जो है वो डाल दीजिएगा चॉप्स किया हुआ। कैबेज जो है चॉप्स किया हुआ तो डाल दीजिए इसके अंदर। अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट है वो डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर था। सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पाउडर जिसको बोलते हैं काली मिर्च पाउडर वो डाल देंगे 1/2 टीस्पून। एग एंड चिकन, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, चिली फ्लेक्स जो है वो डाल देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद नूडल्स जो है वो डाल देंगे। तो चिकन हक्का चाइनीज नूडल्स बन के रेडी है। शुद्ध देसी किचन पे देखिए रेसिपी, एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए।